जो व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण होता है वो उतने सिर्फ महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं संपन्न करता है। उदाहरण के तौर पर जो देश का प्रधानमंत्री है वो एक प्रधानमंत्री से मिलेगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य को करेगा, वो कोई साधारण कार्य के करने के लिए नहीं है। जो अत्यंत वरिष्ठ काम है, अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कार्य है, वो स्वयं संपन्न करते हैं और बाकी सारे कार्य नाना प्रकार के उसके सेवक करते रहते हैं। तो आप एक बात को सोचिए, भगवान श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म है, सारे ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी है, वो कौन सा काम करते हैं? वे भगवान गायों को चराते हैं, वे भगवान गायों की सेवा कर रहे हैं। इससे प्रमाणित होता है कि पूरी सृष्टि में सबसे गुरुत्वपूर्ण कार्य यदि कोई है तो वो है गायों की सेवा। वो कार्य जो भगवान को प्रिय है, द लॉर्ड लव्स टू डू इट, इज सर्विंग द काउस। नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय, पहले गौ बाद में ब्राह्मण, पहले गौ। भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब इंद्र भयभीत थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या की और वर्षा की, ब्रजधाम को वो पानी में डुबो देना चाहते थे और फिर वो भयभीत हो गए कि अब भगवान नाराज होंगे तो मेरा क्या होगा, कौन बचाएगा। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, सबने उनको मना कर दिया और अब कोई उनके पास आश्रय नहीं रहा। तो उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से, अच्छा तो आप आओगे नहीं बचाने के लिए, तो कुछ आइडिया तो दे दो, यदि आपके पास कुछ है तो उपाय बता दो, मैं वो कर लूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो और तो कुछ मेरे को नहीं मालूम, परंतु एक उपाय शायद काम करेगा, जहां तक हो सकता है जरूर काम करेगा। वो उपाय है, आप यदि सुरभि को लेके जाओ तो कृष्ण सुरभि को देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे और जब वो हैप्पी मूड में आ जाएंगे तो उस समय आप दंडवत करके अपना कार्य करवा लेंगे, भूल जाएंगे। और फिर इंद्र ने इसी को पालन किया, सुरभि से प्रार्थना की, सुरभि माता आज मैं इमरजेंसी में हूं, तकलीफ में हूं, थोड़ा सा मदद करो, क्या चाहिए, आप आगे चलो मैं पीछे चलूंगा। तो आपको देखते ही कृष्ण का जो क्रोध है वो समाप्त हो जाएगा। भगवान भक्त वत्सल है, गायों से प्रेम करते हैं। सुरभि को देखते ही क्या हुआ, उनका सारा जो क्रोध है, इंद्र के ऊपर क्रोध आ रहा था, वो तुरंत समाप्त हो गया, कपूर के जैसे उड़ गया, हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। और जब भगवान प्रफुल्लित हुए तो इंद्र ने पीछे से दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो यह है सीक्रेट, इतना महत्वपूर्ण है गाय की रक्षा, इतनी प्रिय है गाय भगवान को। गायों के अंदर सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का स्थान निवास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी बचती, इतना महत्वपूर्ण है। गाय को माता कहा गया, परीक्षित महाराज उस गाय को कह रहे हैं माता। शास्त्र में बताया गया आठ प्रकार की माता होती है, उनमें से सबसे प्रमुख है गाय। मां का दूध एक बार नहीं भी मिले तो बालक जीता रह सकता है, गाय का दूध है तो काम चल जाएगा। इतना पौष्टिक है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, गाय के दूध से मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु, द फाइनल नर्व्स, टिश्यूज इन द माइंड, दे बिकम स्ट्रॉन्ग। सूक्ष्म तंतु बलिष्ठ होते हैं। इसलिए देखो, पहले जो एक बार सुन करके लोग इतने बड़े बड़े शास्त्र उनको पूरे याद रहते थे, कोई हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं थी, कोई मेमोरी की जरूरत नहीं थी, सारी मेमोरी यहां थी, क्योंकि गाय का दूध पीते थे, देसी गाय का दूध पीते थे, घी खाते थे। तो उसका परिणाम है आज मोबाइल नंबर खुद का याद नहीं
खुद का मोबाइल के ऊपर याद ही रहता है। तो ये परिणाम है, जैसा जैसे आप ये आर्टिफिशियल जीवन में जाएंगे, गाय का जो है समाज में हम देख रहे हैं कि जो तिरस्कार हो रहा है, तो उस तिरस्कार करने से ये भुखमरी फैल रही है, भिकमंगी पर ना रहा है। आज भारत देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इस भारत देश में प्रत्येक घर में 8-10 गायें थी, जितने व्यक्ति होते थे उससे ज्यादा गायें होती थी। तो भारत देश इतना खुशहाल था, इतना अमीर था, और आज इस भारत से गायों की दुर्दशा हो गई तो यह भारत जो है भिखारी बन गया। और फिर से हम अपने गौरव को प्राप्त कर सकते हैं गायों के माध्यम से। पूरा मनुष्य जाति, मनुष्य प्रजाति खतरे में है। मैंने बताया पहले कि सस्टेनेबिलिटी का इतना बड़ा एक इश्यू है, और ये सस्टेनेबिलिटी, ये जो हवा है दूषित हो गई, पानी दूषित हो गया, जल दूषित हो गया, जमीन दूषित हो गई, मिट्टी दूषित हो गई, और वापस इनको ठीक करना, इनको रिस्टोर करना सिर्फ गाय के द्वारा ही संभव है। दूसरा और कोई उपाय नहीं, नो सॉल्यूशन। ये गाय इतनी प्रिय है भगवान को। और साथ में वर्णन है कि जो क्रमिक विकास है जीवों का, 84 लाख योनियां है, 84 लाख योनियों में क्रमिक विकास होता है ग्रेजुअली, जलचर, जलचर से नवचर, नवचर से थलचर, और थलचर में अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। तो ग्रेजुअली ये जो प्रकाश होते 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 जो अल्टीमेट है, अंतिम योनि, वो है गाय की। उस गाय की योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। इतना महत्वपूर्ण है। तो ये गाय की रक्षा करना प्रत्येक राजा का कर्तव्य है, प्रत्येक राजा का। और यदि राजा इस प्रकार का नहीं हुआ तो गायों की रक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देगा। और यदि राजा ने गायों की रक्षा नहीं की तो देश का और समाज का विनाश होगा। हम देखते हैं उदाहरण श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज श्री ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी जी के गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी, वो एकमात्र गाय के दूध का सेवन करते थे। आजीवन उन्होंने दूसरा कुछ पाया ही नहीं, नथिंग एल्स। अयाचक वृत्ति के साधु थे। स्वयं भगवान कृष्ण उनके लिए दूध लेकर के आए। वृंदावन में जब वो गए, एक पेड़ के नीचे बैठ रहे थे, विश्राम कर रहे थे और देख रहे थे भगवान की लीलाओं को, बड़े आकर्षित थे। और तभी एक बालक उनके पास आया, सांवला सा बालक, मुस्कुराते हुए कहा, लोटा था हाथ में एक और लोटे में दूध था, बाबा दूध ले लो। बोला, तुमको कैसे मालूम पड़ा मुझको भूख लगी है? तो बालक ने कहा, यह वृंदावन है, यहां पर मेरे को सब मालूम पड़ता है, आप तो दूध ले लो पियो। और बालक दूध देके चला गया। माधवेंद्रपुरी जी ने दूध पिया, पान किया, अद्भुत आनंद से प्रफुल्लित हो रहे हैं, शरीर के अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। उनको अनुभव हुआ, ये दूध तो साधारण दूध नहीं है, कौन है बालक, ये इतना अद्भुत बालक मेरे हृदय को आकर्षित कर रहा है, जिस प्रकार से साक्षात कृष्ण करते हैं आज मैं उसी आनंद का अनुभव कर रहा हूं। और ये विचार करते करते वो जब लेटे तो स्वप्न में वही बालक प्रकट हुआ है? और तब वो विलाप करने लगा, रे हाय हाय गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। गोपाल नाम इसलिए पड़ा कि वो भगवान इस वृंदावन में बिना जूते पहने हुए, बिना जूते हुए पहने हुए वनों में जाकर के गायों को चराते। उन्होंने माता को बताया, जसोदा को,
एक दिन सुबह बात हुई, माता जसोदा ने कहा चप्पल पहनो, गोपाल ने कहा देखो मेरी इतनी सारी गाय 9 लाख गाय है, उनके लिए भी पहले चप्पल बनवाओ। अरे उनके लिए कैसे चप्पल बनवाऊ, तो यदि आप उनको चप्पल नहीं पहनाओगे तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा। चले तो इतना प्रेम है उनको गायों से, उनका नाम पड़ा गोपाल, उनका नाम पड़ा गोविंद, सबसे प्रिय नाम गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन। तो जो गोपाल गोविंद दोनों गायों के साथ, क्योंकि गाय को इतना प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण बोलने पर इतने हर्षित नहीं होते, इतने प्रसन्न नहीं होते जितने गोपाल बोलने पर, ये सत्य है, शास्त्र का वचन है। कृष्ण इज फॉर्मल, गोपाल इज वेरी क्लोज, वेरी लविंग रिलेशन गोविंद। तो गायों के साथ जब भगवान का संबंध, गायों के साथ जब भगवान को जाना जाता है, भगवान को याद किया जाता है, तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए गायों की सदैव रक्षा करनी चाहिए। गाय और बैल मानव सभ्यता के अभिन्न अंग है, दे आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट हैप्पीली विदाउट देम, सो आवर कल्चर शुड बी चेंज एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। हैप्पी।